प्लांट ब्रीडिंग। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या देखते हैं कि कैसे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होगा क्रॉप प्लांट्स का, क्रॉप प्लांट्स जिनको हम लगाते हैं और लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन करते हैं ताकि सभी को भोजन मिल सके। अब देखो दो टाइप की प्लांट ब्रीडिंग थी। जब हम क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं और इस क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में भी हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है इसमें कि सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमें जो ब्रीड बनाना है सुपीरियर कैरेक्टर के साथ उनके पेरेंट्स का जो सिलेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। अब यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, जिसके फादर MS स्वामीनाथन साहब को बताते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि पहले आजादी के टाइम पर जब आपने देखा था तो हमारा जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम पर हमारे लिए ये था कि सभी को भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोग भूखे सोते थे। और ये बात हमें शायद इस टाइम समझ में नहीं आती है क्योंकि अब जो है हमारा प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है। अब हम खुद तो भोजन करते ही हैं और अब इंडिया के जो कुछ क्रॉप्स हैं उनका सीधे एक्सपोर्ट भी होता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो उनका डिपेंडेंसी था प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को कैसे डेवलप किया जाए और कैसे उनको इतना ज्यादा हम प्रोग्रेसिव वे में यूज करें कि जिससे ईल्ड कई गुना बढ़ जाए। और उस प्लांट ब्रीडिंग का एक मेजर ये था कि उससे डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप की जाएं, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि कैसे भी करके हम सुपीरियर वेराइटीज को डेवलप करें। अब सुपीरियर वेराइटीज डेवलप हो गई तो वो अगर डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होंगी तो पैथोजेंस उनको क्या करेंगे, हार्म करेंगे और उनका ओवरऑल प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो सुपीरियरिटी के साथ साथ उनके अंदर रेजिस्टिविटी को भी इंक्लूड करना ये बड़ा कंसर्न था। तो प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन पर्पस था वो यही था कि प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना है, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड डिजायर्ड टाइप के हमें प्लांट्स मिले जिसमें हमें उन डिजायर्ड ईल्ड मिले और डिजीज रेजिस्टेंट हो, ये सबसे बड़ा उनका क्राइटेरिया था। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में अगर आप देखोगे तो इसमें प्योर लाइंस में हाइब्रिडाइजेशन होता था, फिर आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते थे और जो भी डिजायर ट्रेट था उस ट्रेट के साथ हायर ईल्ड लेते थे। क्लियर। अब यहाँ पर जब प्लांट ब्रीडिंग को सिस्टमैटिक वे में देखा गया और गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, कुछ कॉमर्शियल कंपनीज उसमें इन्वॉल्व हुए, तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक साइंस है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं और जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें याद रखना है आपको GECST, GECST। अगर आप देखोगे तो इसमें पूरा का पूरा 5 स्टेप का ये पूरा प्रोसेस है और इस स्टेप की सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस जो है उसी के लिए ये मैंने आपको याद कराया, GECST। GST तो याद होता ही है, EC ऐड कर लो, GECST। GECST के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन फर्स्ट जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं। वो कलेक्शन करेंगे जैसा हमें रिक्वायर्ड है और उसके कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जो हमने कलेक्ट किया है जर्म प्लाज्म अलग अलग सोर्सेस से उनका इवैल्यूएशन करेंगे और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि ये जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद इवैल्यूएशन है ठीक सिलेक्टेड पेरेंट्स का, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं से हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं और फिर
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो फर्स्ट आपने पढ़ा था जी फॉर जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ई फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स एंड सी फॉर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। तो हमने पढ़ा जी ई सी, ये याद हुआ। फर्स्ट क्या था, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, देन इवेल्युएशन एंड देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जो रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं उनको सेलेक्ट करना, एंड फिर इसके बाद फाइनल जो स्टेप है दैट इज टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेप्स दिए गए थे बहुत सारे, और एक लाइन लिखी गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द क्रूशियल स्टेप। तो ये लिखा है लाइन, यहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया था, द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। क्लियर है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, इस लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बात समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट जो टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन है, इसमें आपको एक बात याद रखना होता है कि जैसे क्या होता है, जब फाइनल रिलीज होना होता है, जैसे पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, वहीं पर जनरली नए वैरायटीज इंडिया के डेवलप होते हैं जो बाद में अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा जाता है, और इसमें जब फाइनल रिलीज होता है तो उससे पहले उनका जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट होता है। तो पहले क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR, ये क्या करता है, इस नए जो ब्रीड हमने तैयार किए हैं उन पे अप्रूवल देगा। फिर क्या होगा, फार्मर फील्ड तक इनको पहुंचाया जाएगा, 3 मंथ तक इनका देखा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में, अलग अलग जोन्स में इनको भेजा जाएगा जहां पर एग्रो क्लाइमेटिक अलग अलग जोन्स हैं। फिर इसके बाद 3 ग्रोइंग सीजन तक इनकी हम प्रोडक्शन को चेक करेंगे कि कैसा प्रोडक्शन आ रहा है, डिजीज रेजिस्टिविटी है या नहीं। फिर फाइनली क्या होगा, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये फाइनल स्टैम्प करता है, फिर मार्केटिंग के लिए वो सीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फिर फाइनली वो सीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि GDP जो आजकल काफी गिरी हुई है, जो अभी कोरोना इफेक्ट हर जगह की GDP पे पड़ा है, GDP अगर आप देखोगे तो इंडिया में एग्रीकल्चरल अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ इंडिया GDP, ठीक, एंड लगभग 62% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली खेती पे निर्भर है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इस वजह से हमारे लिए प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, कैसे भी करके हमें हमारा जो यील्ड है वो हाई होना चाहिए। तो कुछ जो वैरायटीज हैं जिनको डेवलप किया गया उनसे यील्ड बहुत बढ़ी भी, जैसे 1960 से 2000 के बीच में जो वीट प्रोडक्शन था इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स। पहले वीट प्रोडक्शन जो भारत आजाद हुआ था उस दौरान देखोगे तो 10 टू 11 मिलियन टन्स था, जो कि बढ़ करके अब कितना हो गया है, 75 मिलियन टन्स, ठीक। राइस के लिए आप देखोगे तो पहले कितना राइस प्रोड्यूस होता था इंडिया के अंदर, 35 मिलियन टन्स,
जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है, लगभग 90 मिलियन टन्स, 89.5 या 90 मिलियन टन्स तक हो गया है। तो ये जो सारा का सारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो एक्चुअल में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है ये मैंने आपको बताया कि कैसे भी करके सुपीरियर वेराइटीज को डेवलप करना। अब यहाँ पर सोनालिका और कल्याण सोना, ये किसकी वेराइटीज हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सोनालिका और कल्याण सोना हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं वीट की, ठीक। और राइस की वेराइटी है IR8, ठीक, ये राइस की वेराइटी है। इसके बाद इसमें आप देखोगे कि ये जया एंड रत्ना, ये इंडियन राइस वेराइटीज हैं, सेमी ड्वाफ वेराइटीज हैं राइस की, जो इंडिया में डेवलप की गई हैं। अब यहाँ पे एक सुगर केन की कहानी है। क्या सुगर केन में आप देखोगे, यहाँ से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सुगर केन की एक वेराइटी थी सैक्रम बारबेरी, जो ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया की थी, ठीक, ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया की थी। नॉर्थ इंडिया में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो सुगर प्रोडक्शन रेट था वो बहुत लो था, ठीक। एंड एक वेराइटी है साउथ की, सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसके स्टेम थिक थे, इनका सुगर कंटेंट बहुत हाई था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जब इस सैक्रम ऑफिसिनेरम, जो कि बेसिकली साउथ इंडिया की वैरायटी थी, इसको नॉर्थ इंडिया में लेके आते थे तो ये सरवाइव नहीं कर पाते थे, ठीक। एक वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है सैक्रम बारबेरी, ये इनका सर्वाइवल तो अच्छा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। दूसरा जो वैरायटी है साउथ इंडिया की, दैट इज सैक्रम ऑफिसिनेरम, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सुगर कंटेंट तो इनका हाई है लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब वो सरवाइव करें। तो अब नॉर्थ इंडिया के अंदर सुगर प्रोडक्शन हाई चाहिए, ठीक। नॉर्थ इंडिया को पहले उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा सुगर प्रोडक्शन यहीं पर देखा जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि अब दोनों वेराइटीज को मिला करके, दोनों वेराइटीज को मिला करके क्रॉसिंग करी और एक वेराइटी डेवलप करी जिसके अंदर अब यील्ड भी ज्यादा था और सर्वाइवल भी ज्यादा था। अब जब दोनों सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम दोनों को मिला करके नई सुपीरियर ब्रीड बनाई गई, तो अब इनके अंदर डिजायरेबल क्वालिटीज थी, डिजायरेबल क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर शुगर प्रोड्यूस हो रहा था और इनकी एबिलिटी भी हो गई कि नाउ दे कैन बी ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। तो पूरी कहानी समझ में आई शुगर केन की, कि इस दो वेराइटीज, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया, दोनों को मिला करके एक वेराइटी डेवलप करी गई जिसमें प्रोडक्शन और रजिस्टिविटी दोनों सुपीरियर क्वालिटी के थे। बात समझ में आ गई। वैसे ही मिलेट्स के लिए हम याद रखते हैं कि हाइब्रिड मेज और ज्वार बाजरा, ये सब सक्सेसफुली इंडिया में बनाए गए और इनका जो रेजिस्टिविटी था वो बहुत हाई था, इवन वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर जाते हैं, ठीक। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर प्लांट ग्रो भी कर जाता है तो कुछ जो पैथोजेंस हैं वो क्या करते हैं, उनको हार्म करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा वेराइटी डेवलप करी जाए जिसमें वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज कर दे उनके, ताकि जो उनके अंदर अपने आप पैथोजन से लड़ने की कैपेबिलिटी हो जाए, तो ऐसी कुछ वेराइटीज भी डेवलप करी गई थी जिसमें आप देख रहे हो कुछ फंगस है, कुछ रस्ट है। तो जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सारी कुछ बीमारियां थी जिनसे, जिनको दूर करने के लिए कुछ रेजिस्टिव ब्रीड्स बनाए गए। यहाँ पर एक टेबल है जो आपको याद रखनी है जरूर से। यहाँ पे वीट की वेराइटी है हिमगिरी, वीट की एक वेराइटी है हिमगिरी जो रेजिस्टेंट थी किस डिजीज के लिए, जो रेजिस्टेंट थी लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट हिल बॉर्न डिजीज। फिर क्रॉप था ब्रसिका, ठीक, सरसों। पूसा स्वर्णिम बनाई गई, करण रति कहते हैं इसको, व्हाइट रस से ये रेजिस्टिव थी। फिर कली फ्लावर की वैरायटी है पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से रेजिस्टिव था। फिर काउपी,
पूसा कोमल ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, फिर चिली के लिए पूसा सदाबहार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चिली की वैरायटी थी पूसा सदाबहार जो चिली मोजैक वायरस या टोबैको मोजैक वायरस या लीफ कर्ल से रेजिस्टिव थी। तो ये सारी वैरायटीज डेवलप करी गई डिजीज रेजिस्टेंट के लिए, क्योंकि इनका प्रोडक्शन तो ठीक था लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये जो पैथोजेंस थे वो इनको किल कर देते थे और ग्रो नहीं होने देते थे। तो एक बार जब इनका इलाज हुआ तो ओवरऑल प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ गया। ठीक, फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग है। म्यूटेशन जो आपने देखा था कि जब म्यूटेशन, मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन साइंटिफिक वर्ल्ड में बड़ा फेमस है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब क्या है कि हमने इंड्यूस किया है म्यूटेशन को रेडिएशंस या कुछ केमिकल्स को यूज करके, मेनली गामा रेडिएशंस यूज होते हैं और कुछ केमिकल्स जो मैंने वहां पे बताए थे आपको, EMMS, MMS और एक्रिडींस, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी प्रेजेंस में म्यूटेशन होता है। तो याद हमें क्या रखना है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक वेराइटी डेवलप करी गई थी रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस इन भिंडी, ये था एबलमोस्कस स्कुलेंटिस। बात समझ में आ गई, प्रभानी क्रांति। ठीक, प्रभानी क्रांति ये याद रखना है। फिर प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो था वो इसमें डेवलप करे गए, और यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है वो बीटी कॉटन वाला भी, और इसके अंदर ये वैरायटी थी ब्रसिका, ये जो इंसेक्ट पेस्ट थे एफिड से। फिर फ्लैट बीन पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री, ये जैसेट्स एफिड्स और फ्रूट बोरर से रेजिस्टिव थे। फिर भिंडी पूसा सवानी सूट एंड फ्रूट बोरर से, ये क्या थे, रेजिस्टिव थे। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। इस टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बायो फोर्टिफिकेशन है क्या। ठीक, तो ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स, ये है बायो फोर्टिफिकेशन। आज का जो दौर है, पहले क्या था, लोगों के पास बहुत समय होता था, वो आराम से बहुत सारी चीज़ों का इंटेक करते थे, लेकिन आज इस मॉडर्न एज में हमारे पास सब कुछ करने का टाइम है, खाने का ही टाइम नहीं है कि हम अलग अलग चीज़ों को खा सकें, उनसे न्यूट्रिएंट्स ले सकें। बच्चों में अभी आप देख रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर वालों को, वो उनको खिलाने में ही होती है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है इनसे लड़ने के लिए बायो में बायो फोर्टिफिकेशन आप पढ़ते हो, जिसमें क्या हुआ कि हम कुछ ऐसे क्रॉप्स जो हमारे डेली यूज के हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब लोग डेली खाते ही खाते हैं, तो इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे मैनिपुलेशन किए जाएं ताकि जो भी हेल्दियर फैट्स हैं या विटामिन्स हैं वो इनके अंदर ही इंक्लूड कर लिए जाएं, ताकि हमें एडिशनल कुछ और ना खाना पड़े। तो जैसे इसमें प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी की बात करें, या ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी की बात करें, विटामिन्स की बात करें, या माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट की बात करें, तो ये कुछ ऐसी वैरायटीज डेवलप करी गई जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट का काम करते हैं। उसमें मेज की जो वैरायटी डेवलप करी गई थी 2000 के अंदर, जिसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड लाइसिन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान, ये याद कर लेना, ये मेज के अंदर किया गया था। फिर वीट की वैरायटी डेवलप करी गई एटलस 66, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वीट की वैरायटी डेवलप करी गई जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था, हाई प्रोटीन कंटेंट, क्लियर है। फिर और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो डेवलप की गई इसमें, ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, विटामिन ए इनरिच्ड कैरेट्स स्पिनाच पम्पकिन, विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गार्ड बथुआ मस्टर्ड टोमेटो, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पिनाच एंड बथुआ, एंड प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स ब्रॉड ब्रॉड लैबडब
लैबलव, फ्रेंच एंड गार्डन पीज, ये सारी जो हैं वो बायो फोर्टिफिकेशन से तैयार की गई वेराइटीज हैं जिनमें न्यूट्रिएंट ऑलरेडी इनरिच्ड है। बात सब सबको समझ में आ गई, क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन SCP, जो मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में भी किसी को डाउट था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो आज इस मॉडर्न एज में कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग अगर हम बात करते हैं इनकी, तो सिंगल सेल प्रोटीन्स मेनली जो कुछ माइक्रोब्स हैं उनसे बनाए जाते हैं लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, जो सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह से हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी स्पायरुलिना, जो नॉर्मली किसी वेस्ट वाटर या वेस्ट फूड पे डेवलप कर सकती है। और यहाँ पर इस स्पायरुलिना के थ्रू हम लार्ज क्वांटिटीज के अंदर प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स के साथ इनको बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरियल स्पीसीज हैं जैसे मिथाइलोफिलस है, मिथाइलोट्रोपस हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के। तो ये जो आप देख रहे हो सिंगल सेल प्रोटीन, ये कुछ माइक्रोब से बनाए जाते हैं जो आज हमारे इस मॉडर्न एज में मैल न्यूट्रिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बढ़ते बच्चों में जो सबसे ज्यादा कमी होती है वो प्रोटीन की होती है, इसीलिए उनको कॉम्प्लान पिलाया जाता है। तो ये भी एक हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करें माइक्रोब्स के थ्रू और उनको टैबलेट्स या जिस भी फॉर्म में देना हो दे सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? अब यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा टिश्यू कल्चर। ठीक, टिश्यू कल्चर जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, यहाँ हमें जो पढ़ना है मेनली टिश्यू कल्चर में, देखो हम करते क्या है पूरा समझ लो। हैबरलैंड साहब ने टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था और ये वो टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, ये एक तरह से एसेक्सुअल मोड है जिसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम उस एक्स प्लांट जो पार्ट है जिसका हमें कल्चरिंग करना है, टिश्यू कल्चरिंग करना है, दैट इज एक्स प्लांट कहते हैं उसको। और वो एक्स प्लांट जो है वो टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है कि टोटल पोटेंशियल टू डेवलप द कंप्लीट इंडिविजुअल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। वो एक सेल, जैसे अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब एक ही सेल से डेवलप्ड हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग के बात करें तो जो स्पर्म्स एंड ओवम के फ्यूजन से जाइगोट बना है, दैट इज टोटीपोटेंट सेल। उसके अंदर पूरी पोटेंशियल एबिलिटी है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट इंडिविजुअल को डेवलप करने की। तो सबसे पहले हम उस प्लांट का एक्स प्लांट लेते हैं जो टोटीपोटेंट है, और फिर हम उसको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसको ग्रो किया जाता है। उस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRs को इंक्लूड करते हैं उसमें। और वही साइंस भी है मेनली कि PGR जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको रेशियो बताया था, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो। और इसमें इस रेशियो में जैसे जब स्टेम डेवलप होता है तो हमें किसका रेशियो ज्यादा चाहिए, जब रूट डेवलपमेंट होना है तब किसका रेशियो ज्यादा चाहिए। तो ये एक प्रोपोर्शनेट यूज है इन PGRs का कि कब हमें कैसा यूज करना है। और यही वो मेथड है जिससे हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ जो एक्स प्लांट हैं, जो सेल्स हैं उनसे। और इस टेक्निक को, इस टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रो लेवल पे है। जो सेल्स हम यूज कर रहे हैं टोटीपोटेंट सेल्स, सारा उन्हीं का खेल है। और जो इनसे प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। इसीलिए मैंने बोला कि ये लगभग एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो है। और इनसे जो प्रोड्यूस होते हैं
वो सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। जैसे टमाटर है, बनाना है, एप्पल है, जिनका कॉमर्शियल स्केल पे हम प्रोडक्शन करते हैं, टिश्यू कल्चर जो लेबोरेटरी में परफॉर्म होगा, और इससे हम बहुत ज्यादा थाउजेंड्स में प्लांट्स बना सकते हैं उस एक प्लांट से ही। और इसमें खास बात क्या होता है कि यहाँ से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या इसमें डिजीज नहीं होता है, ये मेरिस्टम्स वाले पार्ट से डेवलप हैं, और मेरिस्टम्स जो होता है वो फ्री ऑफ वायरस होता है, क्योंकि वहां पर कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम थाउजेंड्स में प्लांट्स बना सकते हैं और डिजायर्ड कॉम्बिनेशन के साथ बना सकते हैं। बात सब सभी को समझ में आई? अब इस पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करना।